वहीं दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद के 22वें दिन भी तनाव और हिंसा का माहौल देखने को मिला। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस को रोक लिया, उसमें सवार सभी यात्रियों को उतार दिया गया। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। दूसरी घटना में दार्जिलिंग के कुर्सियोंग इलाके में एक गाड़ी में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने आग लगाई। तीसरी घटना में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और जीएनएलएफ के समर्थकों ने सदर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया। ये लोग गिरफ्तार मोर्चा समर्थकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग में कई जगह रैलियां निकाली गई।